ये है दिल्ली दर्पण। दिल्ली के रोहिणी स्थित सर्वोदय विद्यालय में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब 8वीं क्लास का अजय बाथरूम गया और अचानक बेहोश होकर गिर पड़ा। किसी के समझ में नहीं आया कि आखिरकार उसे हुआ क्या है। आनन फानन में अजय को इलाज के लिए अंबेडकर अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां डॉक्टरों ने अजय को मृत घोषित कर दिया। इस बात की जानकारी स्कूल की तरफ से अजय के परिवार वालों को दे दी गई। जब परिवार के लोग अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टरों ने बताया कि उनका 13 साल का बेटा अजय अब उनके बीच नहीं रहा। परिवार का कहना है कि बच्चे को तैयार करके वो जब स्कूल छोड़कर आए थे तब वो बिल्कुल ठीक था। तो वह बच्चा घर से बिल्कुल तैयार हो गया है और बच्चे ने चाय नाश्ता भी लिया है और बिल्कुल मतलब इसको स्कूल छोड़ने के लिए गए बच्चे को। बच्चा हमने स्कूल छोड़ा है, उसके 1 घंटे बाद फोन आता है, 7:30 बजे बच्चे को स्कूल छोड़ा है और 1 घंटे बाद फोन आता है कि जी स्कूल में आपका बच्चा बेहोश हो गया। तो मेरा गर्मी का टाइम है, बच्चा बेहोश हो गया, चलो गर्मी हो सकती है। और वहाँ से जो उसके स्कूल वाले हैं वो सारे इसको बच्चे को लेके यहाँ पे अंबेडकर हॉस्पिटल में ले आए। सारे बच्चे को लेके आए, सारे आ गए। तो फिर यहाँ पे आके पता लगा तो डॉक्टर ने मुझे जवाब दे दिया कि आप कौन हो। मेरा लड़के का चाचा हूँ। तो उन्होंने जवाब दे दिया कि बच्चे में जो है अब सांस नहीं है और बच्चा डेथ होगी बच्चे की। अजय को क्या हुआ और किस वजह से उसकी तबीयत खराब हुई फिलहाल अभी तक कोई साफ जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई है। इस बात की जानकारी के लिए पुलिस ने अजय के शव का पोस्टमार्टम कराकर मामले की जांच शुरू कर दी है। लेकिन सरकारी स्कूल में इस तरीके से किसी बच्चे की तबीयत खराब होना और उसकी मौत हो जाना अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। दिल्ली दर्पण टीवी के लिए रोहिणी से प्रभाकर राणा की रिपोर्ट। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज को लाइक करें या लॉग ऑन करें www.dellidarpantv.com। दिल्ली दर्पण टीवी पर खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर